नमस्कार। हम सभी को जीवन में कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कठिनाई के समय पर हम किसी ना किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर करते हैं। दूसरों से प्रॉब्लम्स को शेयर करना अच्छी बात है क्योंकि इससे हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के मार्गदर्शक बनना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद के मार्गदर्शक कैसे बने, तो आइए जानते हैं कैसे आप खुद के मार्गदर्शक बन सकते हैं। सबसे पहले खुद को जानें। जी हाँ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपने लक्ष्य, अपनी इच्छाएं, इन सभी को अच्छे से समझें, इन सभी को अच्छे से जानें। क्योंकि खुद को जब आप जान जाएंगे तो आपके फैसलों में क्लियरेंस आ जाएगा और आप खुद पर बिलीव कर पाएंगे। आप जो हैं, जैसे हैं, खुद को स्वीकार करें, यानी कि आपकी जो भी कमजोरी है, जो भी वीकनेस है, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। सेल्फ एक्सेप्टेंस से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करें और प्रेरित करने के लिए कुछ छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। और जब आप उन टारगेट को अचीव कर लें तो खुद को एनकरेज ज़रूर करें। अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आएँ, यानी कि अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने आप पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि चाहे हमें कोई भी काम करना हो, जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बिना कॉन्फिडेंस के हर काम हमारे लिए एक चुनौती है। तो चाहे आपको कोई कुछ भी कह रहा हो, चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन खुद पर हमेशा विश्वास रखें। अपने निर्णय खुद लें। डिसीजंस लेने के लिए आप किसी की एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डिसीजन आप अपनी सिचुएशन को समझते हुए खुद लें। इससे धीरे धीरे आप हर परिस्थिति को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको दूसरों से बेहतर आप खुद जानते हैं, इसलिए स्वयं के मार्गदर्शक स्वयं बने। धन्यवाद।